एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब तीन रेशियोज हैं, साइन ए इसको कॉट ए के टर्म में चेंज करना है, सेक ए इसको भी कॉट ए के टर्म में चेंज करना है और टेन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग साइन ए को ले लेंगे। साइन ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए, एंड दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए 1 बाय कॉसेक ए, साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा 1 बाय कॉसेक ए। अब अगर इसको रूट और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी 1 बाय कॉसेक ए को ऐसे लिखा जा सकता है। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फाइनली देखिए साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट में आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका सेक ए। सेक ए जो है ये इसको हम लोग पहले 10 में चेंज करते हैं। 10 में चेंज करने के लिए इसको अंडर रूट सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो सेक ए को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से इसको लिखेंगे हम लोग। अब टेन स्क्वायर को हम लोग कॉट में चेंज करेंगे, दैट इज 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट स्क्वायर ए को अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो गया, कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। अब ये रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो न्यूमरेटर में हम लोग रूट रहने देंगे, चूँकि यहाँ होल टर्म परफेक्ट स्क्वायर टर्म ये नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए ये रूट से हट जाएगा, तो इसको हम लोग रूट के बाहर लिख करके कॉट ए लिख देंगे। तो देखिए सेक ए फाइनली कॉट के टर्म में चेंज हो गया, केवल कॉट है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट टर्म हमारा टेन ए है, टेन ए को सिंपली हम लोग 1 बाई कॉट ए कर देंगे, तो टेन देखिए कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो तीनों रेशियोज जो हैं वो कॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन ए कॉट के टर्म में इस तरह से होगा, सेक ए कॉट के टर्म में ऐसा होगा, टेन ए कॉट के टर्म में ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।